हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विवेक, स्टडी इंडिया डॉट डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे रेगुलर आरआरबी जेई सीबीटी 2 का क्लास चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग नॉनटेक का पूरा सिलेबस कर चुके हैं। आपको अगर नॉनटेक में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब टॉपिक का सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपको टिल सीबीटी 2 एग्जाम तक आपको मिलेगा दोस्तों, जिसमें हम लोग डेली देख रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए। इवनिंग में हम लोग 9 PM में देखते हैं और मॉर्निंग में 9 AM में देखते हैं, यानी एक दिन में 2 टाइम टेस्ट चलता है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7, और आपको 1 से 6 तक इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट में 50 MCQ होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग 50 में से आपको 35+ स्कोर एनी हाउ करना है, और जो इस चैनल से स्टडी कर रखे हैं उनको 40+ स्कोर करना है दोस्तों, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री, GK GA, करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो NCERT पैटर्न पे आधारित होता है। सो फ्रेंड्स, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को एक दिल से लाइक कर दें दोस्तों, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करें। आप हमें फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे टीम द्वारा एक नया चैनल लॉन्च हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स। इसे सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिस कर दिए हैं स्टडी इंडिया अड्डा पे, तो स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स पे आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, वहां लाइव आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, सेशन लगाने के लिए आपको 1 क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड दिया जाता है, और आपको लास्ट में बताना होता है वीडियो का कमेंट बॉक्स में कि 50 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हु बॉर्न द 2018 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2018 किसने जीता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करें सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी, जहूर ख्याम हाशमी बॉर्न द 2018 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2018 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के फील्ड में, मतलब इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2018 के नोबेल प्राइज विजेता कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर सभी लोग दें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, बोथ बी एंड सी होगा, यानी विलियम डे डी नोरदहाउस एंड पॉल एम रोमन दोनों जीते थे नोबेल प्राइज 2018 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, रंजन गोगाई। इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू इंडियाज GDP will be the range of। सभी लोग इसका जवाब दें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज राइट, ग्रेटर देन 50%। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का रहा था GDP में, वो कितना रहा था दोस्तों, ग्रेटर देन 50%, यानी 50% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स ऑन योर स्क्रीन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। आपसे पूछा जा रहा है NASSCOM का प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट इसका आंसर बताएं। सभी लोग आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, देवजानी घोष इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। आपको पता होना चाहिए NASSCOM स्टैंड फॉर कंपनी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, माइंड में रखिएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे 4 कथन है, उसमें आपको गलत बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
सभी लोग इसका आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। द एग्जांपल ऑफ मैनग्रोव्स इकोसिस्टम इज एल्गी, क्रैब्स, स्नेल एंड कार्निवोरस फिश, लार्ज कार्निवोरस फिश। ऑप्शन डी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, और ऑप्शन सी जो है द एग्जांपल ऑफ आर्कटिक टुंड्रा इकोसिस्टम इन लाइकेन रिंडरमैन, ये स्टेटमेंट सही है। द एग्जांपल ऑफ अ पोंड इकोसिस्टम इन फाइटोप्लैंकटन, वाटर फ्लीज, स्मॉल फिश टूना, ये सब जो क्या है एग्जांपल है पोंड इकोसिस्टम का, ये भी सही है। एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, यहाँ पे अलगी क्रेव स्नेल होगा दोस्तों, ये नहीं होते हैं। मैनग्रोव इकोसिस्टम में प्लांट वगैरह आते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट आंसर वाई कोड, आपको करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट ए और रीजन के अनुसार आपको करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट बिकम्स क्लीन, और इसका रीजन बताया जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। एलॉथ रीजन इज करेक्ट डिफिनेशन ऑफ ए असर्शन, यानी कहने का मतलब रीजन जो है इसे डिफाइन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स ऑन योर स्क्रीन, यू हैव 3 सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचमेंट इज इनॉर्मस वाइड अप्रोचेज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंटल म्यूचुअल एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वाटर सेड डेवलपमेंट अप्रोच, कौन सा अप्रोच है दोस्तों, वाटर सेड डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो इनॉर्मस वाइड अप्रोच रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंटल मैचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, रिलेट करता है, कौन सा अप्रोच, वाटर सेड डेवलपमेंट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइजनस मटेरियल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, कौन सा पॉइजनस मटेरियल को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो मरकरी, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज रिकॉग्नाइज फर्स्ट एट, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले रिकॉग्नाइज किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल टेम्परेचर, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, सभी लोग से आंसर आने चाहिए। इससे करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ग्लोबल टेम्परेचर के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, इसे डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। दोस्तों आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में रखिए, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रखिए, तो इस बार जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। क्वेश्चन देखें, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन आर, अमल वर्षा का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है, मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई से लगा सकते हैं, सभी लोग से आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर करें। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट, H2SO4 एंड HNO3, ध्यान दीजिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ सन टेम्परेचर विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए इंपॉर्टेंट रोल, सभी लोग से आंसर आना चाहिए।
करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी ओजोन। सन टेम्परेचर को ध्यान दीजिएगा, सन टेम्परेचर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए ओजोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि सन से बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो ओजोन लेयर होता है वो गर्मी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। वरना अगर सन का डायरेक्ट टेम्परेचर अगर हमारे बॉडी पे पड़े तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होगा, बिल्कुल हम लोग राख हो जाएंगे। इसीलिए ओजोन लेयर होता है जो सन का टेम्परेचर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस टाइप का क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओजोन डे सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए 16 सितंबर, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इज राइट, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों फटाफट अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 15 देखे, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी ओजोन लेयर। अभी मैं ओजोन लेयर का बात कर रहा था और सन के द्वारा एक कौन सा रेडिएशन आता है दोस्तों, एक तरह का हार्मफुल रेडिएशन आता है, उसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर ऑब्जर्व कर लेता है हार्मफुल रेडिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इक्विपमेंट अटैच टू द सीपीयू बेस्ड कंप्यूटर्स कैन एसिस आर कॉल्ड, कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी पेरिफेरल्स। पेरिफेरल एक तरह का इक्विपमेंट है जो सीपीयू से अटैच होता है दोस्तों, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे अटैच होता है जिससे कंप्यूटर एसेस कोई फाइल को एसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, सभी लोग इसका जवाब दें। यूएफ 3 सेकेंड, फटाफट सभी लोग का कमेंट आना चाहिए, इट्स इजी क्वेश्चन दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं सभी से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी ये स्टेटमेंट ऑल ऑफ दीज होगा। माउस भी एक तरह के इनपुट डिवाइस है दोस्तों, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी, किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। यू हैव 3 सेकेंड, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एन इल्यूशन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, यानी अत्यधिक वृद्ध मेमोरी का भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइसेज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध देद संचार उपकरण यानी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों, सभी लोग का से आंसर आना चाहिए। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, वॉकी टॉकी जो है इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है विंडो 7 निम्नलिखित में से एक उदाहरण है, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सबसे इजी है, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर अपना कमेंट रिप्लाई करें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, विंडो सिस्टम एक तरह का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्त तो ऑप्शन डी एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक तरह का प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। आपको पता होना चाहिए कुछ भी प्रेजेंटेशन जो किया जाता है दोस्तों वो पावर पॉइंट में ही किया जाता है, जैसे बड़े बड़े कंपनी में प्रेजेंटेशन देना होता है, इंजीनियर जो होते हैं उन लोग को प्रेजेंटेशन देना होता है प्रोजेक्ट पे, तो वो एमएस पावर पॉइंट को यूज करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
विच गेट हैज द आउटपुट लो ओनली वेन बोथ इनपुट्स आर हाई, यानी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गेट में आउटपुट लो आता है जब हम लोग दोनों इनपुट को हाई कर देते हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिनको बुलियन एक्सप्रेशन याद होगा ये क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और सेमीकंडक्टर का बहुत ही अच्छे तरीका से इस चैनल पे ऑलरेडी करवाया हुआ है दोस्तों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट। आपको पता होना चाहिए नैंड गेट में हम लोग अगर दोनों इनपुट को हाई देते हैं यानी दोनों इनपुट वन वन रखते हैं तो जो आउटपुट अपने को मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों, लो आउटपुट मिलता है, जीरो मिलता है। इसके अगर बाइनरी एक्सप्रेशन की बात करें तो जो आउटपुट का बाइनरी एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी टू डी पावर वार होता है दोस्तों, ठीक है, यानी जो इनपुट आउटपुट आता है वो रिवर्स हो जाएगा। हायर अगर आउटपुट आपको हायर मिल रहा है तो वो लोअर हो जाएगा क्योंकि ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए बी इससे हम लोग और डिजाइन कर सकते हैं कि इनपुट अगर वन ले इनपुट अगर लो ले लेते हैं, एक केस में हाई ले सकते हैं, तो आप ये बुलियन जो एलजेब्रा टेबल आता है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नैंड गेट की अगर आपको सिंबल की बात करें तो इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे इनपुट दिया जाता है और आउटपुट यहाँ से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं। वन वन इज अ वाइनरी कमांड, ये दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी दो सेट में रिपीट हुआ है, यानी इस टाइप का किसी में चार एक था किसी में तीन एक था, तो ये क्वेश्चन सभी लोग से आंसर आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं वो उन लोग से सभी लोग से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आंसर करें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी इज राइट। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है, वन इंटू टू के पावर हम लोग लिखते हैं दोस्तों, टू के पावर जीरो के फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अब वन हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाते हैं, चार एक है ना, चार एक है तो यहाँ पे एक दो तीन हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए टू के पावर जीरो हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस इंटू वन हो जाएगा टू के पावर टू, टू के पावर टू यानी फोर, टू के पावर थ्री यानी एट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आठ चार बारह एक तेरह दो पंद्रह अपने पास वैल्यू मिलेगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, टू टू द पावर फोर माइनस वन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यूजिंग पासवर्ड ऑन द इंटरनेट अ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड सो दैट द पासवर्ड इज नॉट इंटरसेप्टेड इजली इज कॉल्ड, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इट्स ए इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उन सभी को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो इनक्रिप्शन, इसे क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों। आप जब इंटरनेट यूज करते होंगे, इंटरनेट पे आप कुछ भी फाइल जैसे फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे तो वहाँ पे पासवर्ड देते हैं तो स्टार स्टार फॉर्म में इनक्रिप्टेड होते चला जाता है, उसी को हम लोग कहा जाता है इनक्रिप्शन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ओपन एन इंटरनेट साइट वी सी डब्ल्यू 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 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्यूटर का बेसिक होता है, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 से फटाफट आंसर करें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी साइट होती है दोस्तों, इंटरनेट साइट होती है, उसका स्टार्टिंग में डब्ल्यू 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 से स्टार्ट होता है, उसके बाद गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम इत्यादि, मतलब अलग अलग साइट के अलग अलग होते हैं, अलग अलग डोमेन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दैट्स ऑन योर स्क्रीन, इट्स इजी क्वेश्चन दोस्तों। अब आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों, और इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है फिजिक्स के लिए। अब फोर्स ए प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 3 मीटर प्रति सेकंड इन अ बॉडी एंड 6 मीटर प्रति सेकंड इन अनदर बॉडी इफ द बॉडीज आर टाइड टुगेदर एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू एक्सेलरेशन इन द बॉडी विल बी, आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझे और इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड में सोल्व करके बताएं, सभी लोग उसे आंसर आना चाहिए। और जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर दें। चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों।
क्योंकि फिजिक्स से आप लोग भागिएगा तो फिजिक्स आपको और भगाएगा। न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ कर चलना है और बनाना है। अब फोर्स ए प्रोड्यूसेज एन एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर प्रति सेकेंड। एक फोर्स है जो 3 मीटर प्रति सेकेंड का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है इन एक बॉडी में एंड 6 मीटर प्रति सेकेंड इन अनदर बॉडी दूसरे बॉडी में। यही फोर्स 6 मीटर प्रति सेकेंड का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। इफ बोथ द बॉडीज आर टाइट टूगेदर, दोनों बॉडी को टाइट कर दिया जाता है एक साथ एंड सेम फोर्सेज अप्लाइड इन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और सेम फोर्सेज अप्लाई कर दिया जाता है जोड़ने के बाद, दोनों बॉडी को जोड़ने के बाद सेम फोर्स लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन निकालिए बॉडी का। दोस्तों ये इसे अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट होता है। अगर आपको दो वस्तु और दो बॉडी के बीच कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ टू बॉडी के बीच अगर कॉमन एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाना होता है, a इजकल टू ए वन इंटू ए टू बाई ए वन प्लस ए टू, यानी दोनों बॉडी का प्रोडक्ट बाई दोनों बॉडी का सम से हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बॉडी में कॉमन एक्सेलरेशन ही निकालना है दोस्तों। ए वन कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए ए वन कितना दे रखा है, सभी लोग कमेंट करें ए वन कितना दे रखा है। 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है पहला बॉडी, 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है दूसरा बॉडी, 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, और दोनों का अगर समेशन करेंगे तो 6 3 9 यानी 36 18 बाई 9 यानी 9 2 18 यानी कहने का मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में यस लिखें, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अ फोर्स गिव्स अ सर्टेन मास एंड एक्सेलरेशन ए, इफ द फोर्स इज डबल्ड एंड द मास इज रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द एक्सेलरेशन बिकम, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों उसी टाइप का है, और सभी लोग इसका 10 सेकेंड का टाइम आप लोग को दिया जाता है, बनाने का कोशिश करें फटाफट अपना कमेंट के कमेंट आंसर में करें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, क्या यूज होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यही फॉर्मूला कैसे यूज करना है, जिनसे नहीं बन रहा होगा वो बिल्कुल अच्छे से देखें, और जिनसे बन गया उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात। अ फोर्स गिव्स अ सर्टेन मास एक्सेलरेशन एम, यानी एक फोर्स है जो क्या देती है दोस्तों, मास देती है एक्सेलरेशन एम। इसे F1 मान लें और मास को Mn मान लें, इसे a लिख दें, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन अगर निकालें तो F1 बाई Ma लिख सक Mn लिख सकते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इसे ऑप्शन ए मान लें। उसके बाद क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा ये केस में इफ द फोर्स इज डबल्ड, इसके लिए हम लोग जो ले रहे हैं फोर्स, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, F2 ले रहे हैं, ठीक है। F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A' एक्सेलरेशन, यहाँ पे A' ले लिया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, F2 जो है वो 2F1 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से समझिएगा, इफ द फोर्स इज डबल, फोर्स को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, डबल कर दिया जाता है, यानी F2 जो है 2F1 है। तो और उसके बाद क्या कह रहा है, द मास इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, M2 इज इक्वल टू M1 / 2, मास आधा हो जाता है, ये दोनों समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करना है बिल्कुल अच्छे से समझिए, उसके बाद A' देखिए, यहाँ A' से हम लोग चलते हैं, A' इज इक्वल टू F2 / M2 लिख सकते हैं जी। F2 कितना है दोस्तों, 2F1 है, F2 कितना है 2F1, बिल्कुल अच्छे से लिखे, और M2 क्या है M1 / 2, यानी ऊपर 2 चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ क्या लिख सकते हैं, A' इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 × F1 / M1, यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, अब मैं ये इक्वेशन, जो ये इक्वेशन आया अपने पास और जो पहले इक्वेशन था, ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखें A = F1 / MA है, और यहाँ A' = 4 × F1 / MA, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं A' = 4 × A, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो लाना था, 4A के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप लोग यस लिखें कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ,
पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वेट बॉडी का होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या मिलता है, जीरो मिलता है, इसलिए वेट जीरो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अ बैरोमीटर मेजर, एक बैरोमीटर क्या मापता है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ पावर आपसे पूछा जा रहा है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए पावर के यूनिट क्या है, वाट है, ये सभी को पता होना चाहिए। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है दोस्तों, फोर्स का है, और पास्कल किसका है, प्रेशर हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 दैट्स ऑन योर स्क्रीन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं। एयर में स्पीड ऑफ साउंड पूछा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सभी लोग से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, ये दोस्तों लाइट चैप्टर से है, नेचुरल फेनोमेना चैप्टर से ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड, आपसे पूछा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा जाता है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा जाता है, एट अ डिस्टेंस लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ का जो वैल्यू होता है उससे मतलब हाफ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो इमेज का फॉर्मेशन कौन सा अच्छा से डिस्क्राइब करेगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इमेज का फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेगा। आपके पास चार ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं। और ये दोस्तों अगर आप लोग फॉर्मूला, जो सेपरेट फॉर्मूला का एक वीडियो अपलोड हुआ था इस चैनल पे मेरे द्वारा, अगर वो चीज आप लोग देखे होंगे तो इसे इसका करेक्ट आंसर आप लोग से चाहिए, सभी लोग से इसका करेक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीका से उसमें हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं करवाया था। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी आपको क्या मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट भी मिलेगा, और मैग्निफिकेशन लेस देन वन मिलने जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन लेस देन वन मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल यानी मिरर के बिहाइंड मिलेगा, और जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट मिलेगा, और मैग्निफिकेशन जो होगा लेस देन वन मिलेगा, यानी जो इमेज का हाइट होगी दोस्तों वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन वन कहने का मतलब जो हाइट इमेज की होगी वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होगा। अगर इसका हम लोग डायग्राम की बात करें तो थोड़ा सा डायग्राम समझ लेगा बिल्कुल अच्छे से, इस टाइप का आपसे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इस टाइप का मिरर है, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, बस थोड़ा सा रफ स्केच मैं बता देना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज किधर बनेगा आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई यहाँ से एक इस साइड होती है सेंटर, इस साइड होती है फोकस, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, पहले एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करवा दीजिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाइएगा तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, उसके बाद एक फोकस से लाइट पास करवा दीजिएगा, तो यानी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा जो छोटा बनेगा, ये रफ स्केच है दोस्तों, बस मैं समझाने के लिए इसे ड्रा कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ अ करेंट आई इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी रिमेंस कॉन्स्टेंट देन, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जब हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास ले रहे थे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, यहाँ पे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, ओम्स लॉ सबको पता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं, इफ द करेंट आई इंक्रीज, आई बढ़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, वी का कॉन्स्टेंट है तो आर पे क्या चेंज होगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करो दोस्तों ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी इसे कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, इसे कॉन्स्टेंट कर लीजिएगा तो आई जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, इसे कॉन्स्टेंट कर लेंगे तो ठीक है,
तो आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन, अगर करंट को बढ़ाया जाए, करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है घटेगा। ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रीड द पोएम रिटन बाई अ चाइल्ड, चाइल्ड एक बच्चे द्वारा लिखी गई कविता पर ध्यान दे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक कविता लिखा हुआ है, प्लांट्स विल ऑलवेज ग्रो, विंड्स विल ऑलवेज ब्लो, सोलर सेल्स विल गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेव्स फॉरएवर विल मेक एनर्जी। बहुत ही अच्छी बात लिखा है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट व्हाट डिड अ चाइल्ड रोट इन द एवर पोएम, प्रयोग कविता में बालक जो है किस ऊर्जा के बात कर रहा है दोस्तों। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो, क्वेश्चन एक बार देख ले, मैं ऑप्शन दिखा देना चाहता हूँ। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में वो बच्चा उसमें जिक्र कर रहा है अपना पोएम में, क्या बोल रहा है देख सकते हैं। प्लांट विल ऑलवेज ग्लो यानी पौधे सदा उगते रहेंगे, पवन सदा बहती रहेगी यानी विंड हमेशा बहती रहेगी, सोर्ज सेल विद्युत ऊर्जा देते रहेगी हमेशा यानी सोलर सेल विल गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलवेज, एंड वेव्स फॉरएवर विल मेक एनर्जी। ये सब दोस्तों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बताता है। ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग मूव ऑन करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैसेज बिकम जीरो, कौन सा टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम हो जाता है, जीरो हो जाता है दोस्तों। इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स ए इजी क्वेश्चन, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन में भी फर्स्ट सेट में भी रिपीट हुआ था। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज बिकम्स जीरो, कौन सा टेम्परेचर पे गैसेज का वॉल्यूम जीरो होता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है गैसेस का जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, अच्छे अकॉर्डिंग टू बेव नहीं अकॉर्डिंग टू वेट बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू वेट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मतलब H2O में आपसे पूछा जा रहा है वेट के अकॉर्डिंग रेशियो बताएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। 3 सेकेंड सभी लोग का आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री सेक्शन का है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे आया सर, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए सभी लोग। H2O सबको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है, यानी वाटर का जो वेट होती है दोस्तों एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है, 1 एटमॉस्फेयर AMU होता है यानी एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU होता है यानी 1 × 2 लिख दीजिए, और इसका रेशियो 1 × 16 से कर दीजिए। 2 किस लिए, क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन का और मास कितना है भाई 1 है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसका मास कितना है भाई 16 मास है, ठीक है 16 होता है 1 एटम का, 16 AMU, तो इसका जो रेशियो लेंगे 1:8 आएगा, ऑप्शन डी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए फॉर्म्स ऑक्साइड विद फॉर्मूला A3O4, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए, आपसे पूछा जा रहा है एक एलिमेंट है ए जो फॉर्म्स करता है ऑक्साइड विद फॉर्मूला A3O4 के साथ, ठीक है, तो आपसे जो वैलेंसी पूछा जा रहा है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड से लिखा जाता है दोस्तों। ए के पावर 4 होगा एंड ओ के पावर -3 होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, जो फॉर्मूला बनेगा A3O4, ये फॉर्मूला मिलने जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए, ए का वैलेंसी पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। एक ए पे कितना वैलेंसी है 4 और ओ पे 3 वैलेंसी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में बेहिचक आप लोग कमेंट में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम सेल, एम सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड होगा यानी समायोजित होगा दोस्तों, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग को पता होना चाहिए। KLMN सेल होता है, आपसे एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ दोस्तों, चलिए इसका सभी लोग जवाब दें। 3 सेकेंड का टाइम आपके पास है, सभी से आना चाहिए। एम में कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए 18 होती है, 18 इलेक्ट्रॉन। के में कितना होता है, के में 2 होता है सर, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, और एन में कितनी होती है 32 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे हम लोग 2n² फॉर्मूला से निकाल सकते हैं दोस्तों, एन जो है नंबर ऑफ सेल,
नंबर ऑफ सेल पुट करके निकाल लेंगे। के का वैल्यू नंबर ऑफ सेल 1 होता है, एल का 2 होता है, एम का 3 होता है, एन का 4 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एन का वैल्यू मैं लिख देना चाहता हूँ, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, और जो फॉर्मूला निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का निकालना का फॉर्मूला 2n2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी इज राइट, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा यूज टू सॉफ्ट इन वाटर डोमेस्टिकली इज एक्चुअली, घरेलू तौर पर पानी के मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है या वास्तव में क्या है दोस्तों, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, यानी केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला का एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे करवाया, इस चैनल पे अपलोडेड है दोस्तों, जो अक्सर पूछा जाता है, टॉप 30 में करवा रखा हूं, आप उसे देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा भाई, सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3.10H2O, 10 मोल हाइड्रेटेड वाटर भी होता है दोस्तों वॉशिंग सोडा में, ध्यान दीजिएगा Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एलोट्रॉप्स है कार्बन के जो रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यू हैव 3 सेकंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन ही कोक है दोस्तों, ठीक है, कोक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम लोग कोक यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोवेल गैस प्लेस्ड, कौन सा पीरियोडिक टेबल में नोवेल गैस प्लेस्ड है दोस्तों, नोवेल गैस यानी इनर्ट गैस कौन सा ग्रुप में प्लेस्ड है, इसे मैं जीरो ग्रुप भी बोलते हैं दोस्तों, इसे जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप से सभी को पता चल गया होगा, सभी लोग इसका सही करेक्ट करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करें, सभी लोग से आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, इट्स अ इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन डी 18 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। इसे याद रखने का ट्रिक मैं बताया था, हेना अगरकर जीरो रन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड लास्ट रेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी का सारे ट्रिक इस चैनल पे करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग हेलोजन, हेलोजन में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है दोस्तों, हेलोजन फैमिली क्या होती है, 17 ग्रुप को बोला जाता है दोस्तों, फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें दोस्तों ऑप्शन ए क्लोरीन का, ये ट्रेंड आपको करवाया हुआ है दोस्तों पीटी में, बहुत ही अच्छे तरीका से ट्रेंडी में करवा रखा था क्वेश्चन में 43, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए इज राइट, क्लोरीन, आपको पता होना चाहिए इसका जो ट्रेंड होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मैं हेलोजन फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का होता है, ठीक है। इसे याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका वैल्यू याद नहीं रखना है, ऐसे वैल्यू मैं बता देना चाहता हूँ, क्लोरीन का 3.61 होता है, फ्लोरीन का 3.5 होता है, ब्रोमीन का 3.36 होता है और आयोडीन का 3.06 होता है, इसके बाद एक एस्टेटाइन भी आता है, तो एस्टेटाइन का 2.69 होता है, आपको क्या याद रखना है, ये ट्रिक याद रखना है, वैल्यू याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When iron is exposed to the most air, a reddish brown coating of hydrated iron third oxide F2O3 is deposited on its surface. This reddish brown coating is called, reddish brown coating को क्या कहा जाता है दोस्तों, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड F2O3 डिपोजिट हो जाता है मोस्ट एयर के कारण, सभी लोग से आंसर आना चाहिए दोस्तों, इट्स ईजी क्वेश्चन, फटाफट सभी लोग इसका आंसर करें, ये लोग तो आप लोग अपने आंख से इस चीज को देखते हैं, ये रिएक्शन तो आंख से देखा जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी रस्ट, यानी जंग लग जाता है, जैसे खुले में लोहा होता है तो उसमें मोस्ट के कारण क्या हो जाती है, जंग लग जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, F2O3 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? चलिए ये इसे मैं विजुअल कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है ब्लीचिंग पाउडर इज अ पेल येलो पाउडर, ये तो दोस्तों ट्रू है, मैं बहुत बार जिक्र किया हूं। ड्राई NH3 गैस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये भी ट्रू है। द पीएच ऑफ रेन वाटर इज नियरली 7, ये भी सही है दोस्तों। और द पीएच ऑफ एसी ड्रेन इज 5.6, ये भी 5.6, यानी ये भी सही है दोस्तों, एसी ड्रेन है यानी 7 से कम होगा। तो चार स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट आपको सही मिल रहा है, तो इसके रिकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखें। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड विल हैव, सेम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड विल हैव, यानी जो पीरियोडिक टेबल में, जो सेम पीरियड में एलिमेंट के पास सेम क्या चीज होता है आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट इसका कमेंट करें। अगर मेरा पीटी का लेक्चर देखे होंगे तो सभी लोग इसका जवाब सही दें दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नंबर ऑफ सेल, क्या जो पीरियड में हम लोग नंबर ऑफ सेल सेम देखते हैं, ठीक है। और ग्रुप में क्या देखा जाता है दोस्तों, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सभी ग्रुप में एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीरियड में नंबर ऑफ सेल याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 47, अ टेंडन इज मेड अप ऑफ, टेंडन किसका बना हुआ है दोस्तों, ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंक्लूड प्रत्येक सेट में मैं कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अ टेंडन इज मेड अप ऑफ, टेंडन किसका बना हुआ, ऐसे RRV JEE के द्वारा बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये सब दोस्तों जनरल लेवल पे बहुत ही अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, टेंडन एक तरह का क्या है, कोलेजन फाइबर है, ठीक है, ओनली कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दीज टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड टू सीज कैनाल, जो सीज कैनाल है उससे दो वाटर बॉडीज, कौन कौन दो वाटर बॉडीज कनेक्टेड है आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी आर दी टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड टू बाय द स्वेज कैनाल, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोरोनियन मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वोरोनियन मोशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, फटाफट इसका कमेंट करें सभी लोग। जितने लोग लाइव हैं वीडियो को दिल से लाइक कर दें और फटाफट इसका कमेंट बताएं, 49 का सभी लोग से आंसर आना चाहिए इसका। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी, रॉबर्ट बोरॉन के द्वारा बोरोनियन मोशन डिस्कवर किया गया था और अपने नाम पे ही वो मोशन को ब्रोनियन मोशन नाम दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द लिक्विड पार्ट्स ऑफ द ब्लड ऑफ द विच 92% इज वाटर, रिमेनिंग 8% इज प्रोटीन एंड मिनरल्स हार्मोन्स एंजाइम एंड सो ऑन, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताएं। आपसे पूछा जा रहा है, एक लिक्विड है जो ब्लड का पार्ट है, ठीक है, ब्लड का कौन सा पार्ट होता है दोस्तों, RBC WBC प्लेटलेट्स, ये तीन ब्लड का पार्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तीन में से होगा, प्लाज्मा भी ब्लड का पार्ट होता है, जिसमें 92% वाटर है और रिमेनिंग 8% प्रोटीन है और बाकी जो मिनरल हार्मोन्स एंजाइम है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इज राइट, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है दोस्तों ब्लड में लिक्विड, ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसमें 92% वाटर है, रिमेनिंग 8% प्रोटीन मिनरल हार्मोन्स एंजाइम है। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि कितना सही किए आपने, 50 में कितना स्कोर किए, कितना गलत हो रहा है आपका। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एक गुड विल यानी गुड फील वाला कमेंट वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी 12-13 हज़ार स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं। ये चैनल पे जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाता है दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले अगर आप कोई भी सेट मिस कर गए हैं तो आप स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो चैनल मेरा ही दोस्तों, स्टडी इंडिया अड्डा टीम द्वारा वो चैनल
लॉन्च किया गया, उसे सब्सक्राइब कर लें, वहां पे वो टेस्ट आपको करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।